हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी मिशन बुनियाद की वर्कशीट है और ये हमारा पठन अभियान है और ये हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से 8 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है और ये हमारी गतिविधि पत्रक है और इस गतिविधि पत्रक की संख्या क्रम संख्या 41 है, मींस 41 है। और ये वर्कशीट हमारे लिए कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए है और जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। तो देखते हैं, इसे शुरू करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या गिनिए। आसमान में दो बादल है, एक पतंग भी आसमान में उड़ रही है, पतंग का रंग हरा है, पतंग पर 5 सितारे हैं, सितारों का रंग पीला है। तो आसमान में कितने शब्द हैं, ये मात्रा नहीं गिननी है हमें, इसमें आसमान है ना। तो देखो, आसमान में हमें मात्रा नहीं गिननी है, हमें शब्द देखने। तो इसमें है 1 2 3 4 आसमान, ये पूरा मिलाकर हो गया 4 शब्द। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और बाकी के जो बचे हैं वो 2 हैं, आ की मात्रा। ओके, तो इस तरीके से हमें ये समझना है, आप भी समझ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है देखते हैं। अब निम्नलिखित तालिका को निम्न अनुसार भरिए। ये जो तालिका है ना, ये हमें जो दे रखी है तालिका, ये भरनी है हमें। और देखते हैं, गद्यांश में पहला शब्द आसमान है जिसमें 4 अक्षर है, अभी हमने देख भी लिया आसमान में 4 अक्षर है। गद्यांश में दूसरा शब्द मैं है जिसमें एक अक्षर है। तो ये देखो, ये मैप पे ए की मात्रा है और अंक की बिंदु है, बाकी ये माँ जो है वो शब्द है ना, शब्द तो माँ है। तो इसमें देखते हैं, इसे करेंगे। तो इसमें जो है हमें सब ढूंढ ढूंढ के जो है करना है। जैसे आसमान में 4 शब्द है, तो देखो एक हमें एक शब्द वाला जो करना है जिसमें एक ही शब्द है, में एक ही शब्द है तो एक आ गया है ना। और दो और 4 अक्षर वाला आसमान हो गया, तो 4 अक्षर वाले ऐसे हमें करना है। जैसे जो 4 अक्षर का शब्द है वो इसमें यहाँ भर देना है। जैसे आसमान 4 अक्षर का हो गया तो एक यहाँ पे भरा ही हुआ है, और यहाँ मैं 1 अक्षर का हो गया तो यहाँ पे एक चिन्ह है। समझ में आई बात, तो इसे करते हैं। आसमान ये पहली भरा हुआ है, मैं एक ये पहली भरा हुआ है, दो दो में भी जो है एक वो है, दो में भी एक शब्द है। फिर आगे देखते हैं, बादल है तो इसमें 3 शब्द है। देखो क्या होता है ना कि जब हमारी मुट्ठी बंद होती है तो हमारे ऐसे 4 उंगली होती है और उसके ऊपर से जो है हमारा एक अंगूठा आता है, तो उस ऐसे ही हम ना 5 को दर्शाते हैं। तो जब हमें 5 लिखना होता है ना तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं मिलान चिन्ह में, हमें जब 5 लिखना होता है ना तो हम ये ऐसे करके 4 बना दिया और उस पर एक ऐसे डंडा मार दिया, जैसे हमारी मुट्ठी उस तरीके से। तो आगे करते हैं, तो जहाँ 5 अक्षर मिल जाएंगे ना तो हम ऐसे 4 कर देंगे, पहले ऐसे 4 कर देंगे और उसके बाद फिर उस पर एक ऐसे दिखाएंगे। तो देखेंगे आगे, 2 अक्षर ये हटा दें, हम अभी बादल तक आ गए थे, बादल में हो गया, 2 में हो गया, मैं में हो गया, आसमान में हो गया, है हे में भी जो है एक शब्द है, हे में भी एक शब्द है। एक मिनट, इसको थोड़ा पतला करते हैं। और उसके बाद है एक,
तो एक में दो शब्द है, पतंग पतंग में तीन शब्द है, भी भी में एक शब्द है, आसमान आसमान फिर से आ गया, आसमान में चार शब्द है, मैं जो है फिर एक शब्द है, एक शब्द, फिर उड़ में जो है फिर दो शब्द है, फिर उसके बाद रही में जो है दो शब्द है, रही में भी दो शब्द है में एक शब्द है। देखो तो देखो यहाँ गड़बड़ हुई ना, यहाँ एक हो गया, लेकिन जब यहाँ चार हो गया तो इधर हमारा पूरा पांच कंप्लीट हो गया, तब हम ऐसे करके डंडा मार देंगे, लेकिन वो पहले से ही था इसलिए मैंने नहीं किया, तो हमारा यही सही था। एक मिनट, ये पूरा मिटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से शायद आप समझ गए होंगे, तो इसका रियल आंसर अब मैं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो इधर आंसर है, वैसे ही है, आप शायद समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते, फिर मैं आपको और अच्छे से इस चीज़ को समझाऊंगी। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी पूरी तालिका बनानी है इसी तरीके से, तो आप वीडियो पॉज करके इसे कर ले। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, शब्दों की संख्या, मतलब जो है संख्याओं को ना शब्द में बताना है, तो मिलान चिन्ह में हो गया, ये हो गया पाँच, ये हो गया पाँच दस, और ये हो गया ग्यारह। तो आप ये नहीं करोगे खाली ग्यारह लिख दोगे तब भी चलेगा, यहाँ फाइव प्लस फोर नहीं करोगे नौ लिख दोगे तब भी चलेगा, फाइव प्लस वन नहीं करोगे खाली छः लिख दोगे तब भी चलेगा, एक और एक वन प्लस वन नहीं करोगे दो लिख दोगे खाली तब भी चलेगा, उसमें कोई नहीं है। इसमें खाली शब्द में जो है संख्या लिखना है, मतलब इस तरीके से मिलान चिन्ह में नहीं, रियल में जैसे हम लिखते हैं वैसे। जैसे ये तो एक और एक डंडा, एक एक डंडा और एक और डंडा, मतलब मिलके दो डंडे हो गए, इस तरीके से समझो ये दो डंडे हो गए। तो अगर हम इसे लिखेंगे कि हमारे पास दो डंडे, तब तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि दो डंडे, इस तरीके से, समझ में आया। तो आपको इसी तरीके से जो है अपना तालिका बनानी है, तो इसी तरीके से आप बना ले। अब चलेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, उपयुक्त फलों को उपयुक्त रंग से भरिए, अपने सभी दोस्तों या सहपाठियों के मनपसंद फलों के आंकड़े एकत्र कीजिए, और आंकड़े तालिका के रूप में मिलान चिन्हों के साथ रिकॉर्ड कीजिए। तो हमें जो है ना इन फलों में ना रंग भरने हैं, तो ये हमारा हो गया संतरा, तो संतरे में आता है ऑरेंज रंग, नहीं है यहाँ कोई बात नहीं, मैं लिख दे रही हूँ आपको, ज़्यादा आसानी होगी लिखने से। ये है संतरा, ये हो गया संतरा, ये है अंगूर, जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ वहाँ करके दिखा भी दे रही हूँ। ये हो जाएगा ग्रीन, आप अच्छे से करना इसे, पत्ता भी हो जाएगा इसका ग्रीन, और ये जो है इसका लकड़ी मान के चला, जैसे इसमें कैसे करना है देखो, अगर आप ऐसे नहीं बना पाओगे तो मैं दिखा देती हूँ मैंने कैसे बनाया है। बनाना मतलब कोई वो नहीं है कि आपको एकदम ढंग से ही बनाना है, जैसे बना सको वैसे बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि एकदम ढंग से बनाओ। तो देखो मैंने कैसे किया है, वैसे आप कर लेना। देखो इतने में मैंने बनाए हैं ये चार फल, इतने में चार फल बनाए हैं मैंने, इस वैसे ही करने की कोशिश की थी लेकिन एकदम वैसा तो नहीं हुआ एग्जैक्टली, लेकिन इस तरीके से करना है। ये संतरा है, ये संतरा है, संतरे में ऑरेंज कर दिया, ये अंगूर है, अंगूर में हरा कर दिया, कलर भरने थे ना, ये सेब, सेब में लाल कर दिया, स्ट्रॉबेरी में भी लाल कर दिया, और भी है मेरे, और ये हमारा चेरी हो गया, चेरी में जो है रेड कर दिया, केला हो गया उसमें येलो कर दिया, पाइन एप्पल हो गया। देखो पाइन एप्पल वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था ना, तो ज़रूरी है कि जैसा वर्कशीट में वैसे ही बनाओ, आप अलग से भी गूगल से जा करके बोलोगे पाइन एप्पल, पिक्चर ऑफ पाइन एप्पल इन एनिमेशन, क्या बोलना है, पिक्चर ऑफ पाइन एप्पल
इन एनिमेशन, सॉरी पाइन एप्पल एक साथ बोलोगे, पिक्चर ऑफ पाइन एप्पल इन एनिमेशन ऐसा बोलोगे ना तो पाइन एप्पल की पिक्चर्स आ जाएंगी एनिमेशन में। तो आप कोई भी इजी सा ढूंढ के जो आप बना सको वो आप बना लेना, वो अगर आपको जो वर्कशीट में वो डिफ़िकल्ट लगता है तो आप ये कर लेना गूगल से। ये हो गया, ये क्या है नाशपाती, ये नाशपाती फिर बनाना है, फिर उसमें ऐसी कलर करना है, ये तरबूज उसको भी ये ऐसी बनाना है और फिर ऐसे करना है, कलर कर देना है। अब चलेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अपने माता पिता या शिक्षक शिक्षिका शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड किए गए आंकड़े का विश्लेषण, सॉरी और भी तो था, सॉरी यही था, कलर करने के बाद तालिका भी बनानी थी। तो देखो तालिका कैसी बनानी थी, तो तालिका देखो आपको ऐसे बनानी है, जैसे ये हो गए फल, एक मिनट इसको कहते हैं अंडो, ये हो गया फल, ये कैसे बना लिया, फलों के नाम लिख दिए जो भी थे वहाँ, फल वगैरह जो भी थे, जैसे वहाँ संतरा था और संतरे के बाद अंगूर था, अंगूर वहाँ जो जो थे वो नाम लिख देना, अंगूर था, अंगूर के बाद सेब भी था, सेब था, इस तरीके से फल। फिर उसके बाद आप ऐसे कर देना मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, तो आपके परिवार में या आपके जो है दोस्तों को संतरा कितना पसंद है, कितने दोस्तों को आपके संतरा पसंद है वो लिख देना। जैसे मान लो मेरे दोस्त को, मेरे तीन दोस्तों को संतरा पसंद है, अंगूर मेरे पांच दोस्तों को पसंद है और सेब मेरे जो है 10 दोस्तों को पसंद है, 10 दोस्तों को, ये नहीं होगा, अंगूर मेरे, एक मिनट वापस बनाना पड़ेगा, एक मिनट। तो ऐसा मान लो जैसे संतरा मेरे चार दोस्तों को पसंद है, पांच दोस्तों को पसंद है, अंगूर मेरे चार दोस्तों को पसंद है, सेब मेरे 10 दोस्तों को पसंद है और स्ट्रॉबेरी जो है मेरे 13 दोस्तों को पसंद है। तो फिर ये ऐसे करने के बाद मैं क्या करूँगी, इधर हो गया संख्या, संख्या के बाद ये हो गया पाँच, ये हो गया चार, ये हो गया 10 और ये हो गया 13, ऐसे लिख दोगे और उसके नीचे क्या करोगे, एक ऐसे बना के नीचे लिख दोगे, दूसरे कलर से करती हूँ, यहाँ कुल लिख दोगे कुल, फिर इसको प्लस करके लिख दोगे 4, 5, 9 हो गया, 5, 4, 9 हो गया, 5, 4, 9 और 10 हो, 5, 4, 9 और 10 हो गया 19, 19 और 13 हो गया 29, 31, 32। तो उधर इधर साइड में कुल करके लिख दोगे ऐसे ऐसे डंडा खींच के, इस तरीके से कुल करके लिख दोगे, जैसे मैंने कैसे किया है देखो, देखो इसी तरीके से किया है कि संतरा मान लो मेरे तीन दोस्तों को पसंद है, अंगूर मेरे पांच दोस्तों को, सेब मेरे 6 दोस्तों को, स्ट्रॉबेरी मेरे 16 दोस्तों को, ऐसे करना है और उसके बाद नीचे कुल लिख के, कुल लिखने के बाद इसका कुल लिखने के बाद ऐसे कुल लिखने के बाद फिर उस ये वाली चीज़ को प्लस करके इधर लिख दो, जैसे मेरा आ गया 62। इस तरीके से आपको ये जो है सेकंड क्वेश्चन का पूरा आंसर करना है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।
तो देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड किए गए आंकड़े का विश्लेषण कीजिए और अपने परिणाम अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। तो कौन सा परिणाम जो हमने पाया कि सेब कितने दोस्तों को पसंद है, संतरा कितने दोस्तों को पसंद है, क्या ये सब जो है कितने दोस्तों को पसंद है, वैसे जो है जो आंकड़े बयां है उसके बारे में हमें बताना है। जैसे सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों को ये चीज़ ये वाला फल पसंद आया और सबसे कम ये वाला पसंद आया फल। जैसे देखो मैंने कैसे किया देखो। और हाँ एक बात ध्यान रखो, मैंने पहले भी बताया था कि इस साइन का मतलब ये नहीं होता कि दोनों से पूछो, अपने माता पिता से भी पूछो और अपने शिक्षक से भी पूछो। इस साइन का मतलब होता है कि आपको जो है माता पिता या शिक्षक से पूछना है, या तो आप अपने शिक्षक को ये बताइए कि अपने आपके परिवार में कौन कौन किसको कौन सी चीज़ पसंद है, कितने लोगों को कौन सा फल पसंद है, ये शिक्षक से बता रहे हो तो ये बता दो। और अगर दोस्तों के बारे में बता रहे हो, सहपाठियों या दोस्तों के बारे में बताना था ना, और अगर दोस्तों के बारे में बता रहे हो तो अपने माता पिता से बता दो, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये शायद आप समझ गए होंगे कि आपको अपने माता पिता या शिक्षक से बताना है। ओके देन हम अब चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर और तीसरे क्वेश्चन के आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या है, मेरे दोस्तों को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है जबकि मेरे दोस्तों को सबसे कम नाशपाती पसंद है। तो देखो कैसे, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे तो मिलान चिन्ह है कि किसको कब सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखो स्ट्रॉबेरी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, 16 दोस्तों ने पसंद किया मेरे, और जो नाशपाती है वो सिर्फ मेरे एक दोस्त ने पसंद किया। तो सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया मेरे दोस्तों को, स्ट्रॉबेरी पसंद आया, और सबसे कम पसंद क्या आया मेरे दोस्तों को, नाशपाती पसंद आया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे ये वर्कशीट। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आपको अगर आगे भी कोई वर्कशीट करनी हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। और हाँ आज की जो वर्कशीट की जो वीडियो है वो काफ़ी लेट है, उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जब तक के लिए बाय बाय।